आपको लोगों को जो रिसेंटली जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको मैं डिटेल देने वाला हूँ गाइस, इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने ऑलमोस्ट पहले से आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जैसे ही वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे, नीचे साइड स्क्रॉल करना है, आपको नीचे डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे एप्लीकेशन डाउनलोडिंग हो जाएगी। देखिए एप्लीकेशन नाम है क्विक कैश। देन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखिए ये जो एप्लीकेशन है ना, यहाँ पर मैक्सिमम लोन अमाउंट शो हो रहा है 60,000 रुपये। हालांकि आप इसे बंडर के सिमिलर बोल सकते हो, नो डाउट, है भी वही कहानी, भी शुरुआत भी वहीं से हो रही है। हालांकि आप लोग इसे बंडर के सिमिलर बोल सकते हो, लेकिन मिलेगा वैसे ही शुरू में 15,000 रुपये का मिलेगा, जैसे कि बंडर के केस में मिला था 5,000 रुपये 3 प्रोडक्ट, उसके बाद डायरेक्ट 30,000 का, फिर डायरेक्ट 50,000 रुपये का। अब देखिए आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी अकाउंट के सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पर जो लिमिट आएगी ना आपकी, वो 15,000 की आएगी अप्रूवल आने के बाद। ठीक है, जैसे ही अप्रूव होता है तो लिमिट यहाँ पर आप लोगों को 15,000 रुपये की आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऐड फॉर बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन मिल रहा है, ये आपको लास्ट का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। देन यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब कि अगर 15,000 रुपये का मिलता है तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर 3 प्रोडक्ट मिलेंगे 5,000 रुपये के, और कुल मिलाकर 3,010 3,010 3,010 कुल मिलाकर 9,030 रुपये आपके बैंक खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। हालांकि चाइना की लोन एप्लीकेशन है, 7 दिन की वंडर के सिमिलर एप्लीकेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर गेट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे दो प्रोसेस हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लंबी है, अगर आप देखोगे तो मैं स्क्रॉल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को KYC करने का ऑप्शन आएगा। KYC जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे, ये आपकी प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी। ठीक है, इंस्टेंट रिजेक्ट हो जाएगा, इंस्टेंट अप्रूवल भी हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खासकर इस एप्लीकेशन को लेकर, इसमें कोई भी ऐसा डाटा यूज मत करिए जो पुराना हो। ठीक है, चाहे वो आपका डाटाबेस हो या मोबाइल हो या डिवाइस हो, समथिंग एवरीथिंग कुछ भी, आप ऑल चीज़ों को ना यूज करें इस एप्लीकेशन को लेकर। खासकर अगर इन्होंने कोई भी डाटाबेस आपका कैप्चर कर दिया, चाहे वो आधार हो या पैन हो या बैंक अकाउंट हो या डिवाइस हो या डाटा हो डिवाइस के अंदर, कोई भी मैच कर लिया तो आपका इंस्टेंट रिजेक्ट कर देंगे, फिर आपको नहीं मिलेगा। मैं देखो, मैं पूरे यकीन के साथ बता रहा हूँ, मिला है तभी मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ भाई, लेकिन अभी मैं अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि इस फोन में मेरे लिए कोई डाटाबेस नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ वीडियो पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको इसकी एप्लीकेशन की वीडियो बना के दे रहा हूँ। हाँ, हालांकि जैसे ही मुझे मिलेगा तो इसकी पार्ट 2 वीडियो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल के दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।